जय जोहार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे महादेव ऐप केस में। जगदलपुर से गिरफ्तार अभिनेता साहिल खान को मुंबई कोर्ट ने 1 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साहिल 4 दिन पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। मुंबई पुलिस की SIT ने एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार किया था, मेडिकल करवाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। साहिल खान को मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टा केस में आरोपी बनाया है। साहिल पर ऐप को सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने के आरोप हैं। पूरा कॉपरेट किया है, पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है, उसके बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन ये बोल रही है तो वो रिकॉर्ड पे ऑलरेडी कोर्ट के सामने है। कोर्ट के सामने 2000 सिम कार्ड और 1700 बैंक अकाउंट का जिक्र किया, वो क्या सिम कार्ड की बात? एक भी सिम कार्ड नाम पर नहीं है और कोई भी अकाउंट हमारे उसमें नहीं है, जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन में भी डिस्क्लोज कर दिया। क्या रोल बताया गया? रोल क्या बताया गया? कुछ भी रोल नहीं बताया गया। नॉट अ सिंगल लाइन एलिगेशन इज देयर इन द FIR और वी हैव ऑलरेडी सरेंडर द पासपोर्ट। इन्फ्लुएंसर की आपने बात कही थी, इन्फ्लुएंसर अभी बीइंग अ इन्फ्लुएंसर एंड बीइंग अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी वो इंडोर्स करते हैं, वही उन्होंने इंडोर्स किया है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं किया है और वो एग्रीमेंट भी हम लोगों ने कोर्ट को दे दी। महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अभिनेता और मॉडल साहिल खान को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया और उसे आज मुंबई लाया। उसके बाद साहिल खान का मेडिकल कराया गया है और उसे अब अदालत में पेश कर उसकी कस्टडी मांगी जाएगी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक साहिल खान के ऊपर आरोप है 2 बेटिंग ऐप चलाने का और उसे प्रमोट करने का। खान द लायन बुक और साथ ही साथ लोटस बुक, ये 2 ऐसे बेटिंग ऐप थे जिसमें साहिल खान प्रमोशन भी किया करते थे और इनलीगली बेटिंग भी लगवाया किया करते थे। लोटस बुक खास तौर पर पे साहिल खान का माना जा रहा है और उनके संपर्क के कितने लोग थे इसकी भी जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि साहिल खान को छत्तीसगढ़ से अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उसे आज मुंबई लाया गया है और साथ ही साथ ये जो दोनों बुक चलाते थे और प्रमोट करते थे साहिल खान, खान द लायन बुक और साथ ही साथ लोटस बुक, ये महादेव बेटिंग ऐप का ही एक नेटवर्क माना जा रहा है। और इसी मामले को लेकर के पिछले दिनों मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था जिसमें 32 नामों का जिक्र था। साहिल खान का भी नाम इसी FIR में दाखिल किया गया था। 15,000 करोड़ मामले का घोटाला ये माना जा रहा है और इसी को लेकर के साहिल खान की अब गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले की जांच आगे क्या क्या अहम खुलासे सामने लाती है और क्या साहिल खान के साथ साथ और भी कई बड़े चेहरे मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। कैमरामैन अविनाश लुंडे के साथ प्रशांत पांडे, News 18 मुंबई। और इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर सियासत गर्म है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बैज वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के समय ही बीजेपी को ये ऐप याद आता है। अगर ये घोटाला है तो बीजेपी सरकार ने इसे बंद क्यों नहीं कर दिया? दीपक बैज ने पूछा कि क्या बीजेपी को इस ऐप से चुनावी चंदा नहीं आ रहा है? देखिए, ये सिर्फ चुनाव समय ही भारतीय जनता पार्टी को याद आता है। अगर महादेव सट्टा ऐप अगर घोटाला है तो महादेव सट्टा ऐप सरकार ने बंद क्यों की? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, क्या महादेव सट्टा ऐप से भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनावी चंदा तो नहीं आ रहा है? आखिर बंद क्यों नहीं की? हिम्मत है तो बंद करें महादेव सट्टा ऐप। चुनावी लाभ के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। इधर महादेव सट्टा ऐप को लेकर डिप्टी CM अरुण साव का बयान आया है कि महादेव सट्टा ऐप पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को आपने सुना, उनके बयान पर पलटवार किया, यह भी कहा कि दीपक बैज अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, सरकार महादेव ऐप पर लगातार कार्रवाई कर रही है, इससे कांग्रेस को दर्द भी हो रहा है। दीपक बैज जी अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, पार्टी में भगदड़ लगातार मची हुई है। दीपक बैज जी अपनी पार्टी संभाल लें और जो हमारी सरकार को करना है वो कार्रवाइयां लगातार हो रही है और कार्यवाहियों के कारण दर्द भी लोगों को हो रहा है। हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है और मजबूत और ठोस कार्रवाई कर रही है।
और राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई थी चुनाव के दौरान। मतदान केंद्र के बाहर विवाद हुआ, विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी घटना के दौरान वहां मौजूद थे। टेढ़े सरा गांव के सोमनी थाना इलाके का मामला है। इस पूरे मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, 5। इधर रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार ने गोबर भी खा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि बघेल सरकार ने 5 साल में कोयला से लेकर हर चीज में भ्रष्टाचार किया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में एक भी वादा कांग्रेस की सरकार पूरा नहीं कर पाई, बल्कि छत्तीसगढ़ 5 साल में विकास की दृष्टि से बहुत पीछे उमन, लेकिन छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बना दिन। आज हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, बालू में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार, और साहब नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक के कांग्रेस अमन खा गए। इधर लोरमी में डेप्यूटी सीएम अरुण साहब ने कहा है कि तीसरे चरण की 7 सीटों के लिए सभी नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अरुण साहब ने दावा किया कि मिशन 11 में सभी 11 की 11 सीटें पीएम नरेंद्र मोदी को जीत कर देंगे। तीसरे चरण के 7 सीटों के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं। जिस मिशन को लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, मिशन 11, 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें, उस अभियान को तेज गति से हम लोग कर रहे हैं। और इधर कोरबा में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सचिन पायलट, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया, यह भी कहा कि देश में यह चुनाव बदलाव का चुनाव बन गया है, हवा भाजपा के पक्ष में नहीं है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग जीत चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। देखिए, राजस्थान में सभी 25 सीटों पे चुनाव हो गया है और छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 जगह मत पड़ गए। मेरा फीडबैक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़त लेके आगे निकल चुकी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उठ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, और 10 साल में जो रिपोर्ट कार्ड बनी है सरकार की, वो जवाबदेही तय करने के लिए लोग मतपेटी के माध्यम से अपना मंशा रखेंगे। कोरबा में सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने प्रचार किया। वो पाली तानाखार विधानसभा के घनी पखना गांव पहुंची, आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात की और बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे के लिए वोट मांगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कोरबा 5 साल में विकास में पिछड़ गया। उन्होंने धर्म जाति को छोड़कर वोट देने की अपील की। तना तनी में न रहे, आप अपने लिए चयन कर रहे हो, किसी निज हित के लिए नहीं कर रहे हो, आप पूरे समस्त जनता के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी नाराजगी कि मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरा काम नहीं हुआ, इन सब पिछली बातों को भुला करके आप लोग सिर्फ सबके लिए चयन करो, क्योंकि पिछले सरकार में आपने यही कमी को आपने कर दिखाया है कि हमको रमन सरकार ने कुछ गलती करी, कुछ ऐसा करा और हमने दूसरा सरकार चयन कर लिया, लेकिन आपने दूसरा तो करा, लेकिन उसके रिपोर्ट क्या आया, उसका हमको मिला क्या फल? मिला ये कि हम 5 साल बिल्कुल पीछे चले गए, 10 साल पीछे लौट गए हैं। तो बिल्कुल मैं विनती कर रही हूँ आप सबसे, अब मैं अपनी भाषा में बोलूँ, अपने हृदय से बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से चयन करें, आग खोल करके बिल्कुल मनन करके इस पर बीजेपी को लाइए, क्योंकि वो सरकार आप सबके हित के लिए है। दुर्ग और बलरामपुर में कांग्रेस को लगा है झटका। दुर्ग में 250 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। सांसद विजय बघेल ने सभी का स्वागत किया। विजय बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बिखराव है, बीजेपी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। बलरामपुर में कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। दीपक बैज की जनसभा के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मंत्री रामविचार नेताम और चिंतामणि महाराज ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। जांजगीर चांपा में भी कांग्रेस को झटका लगा। सीएम साय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। Thank you.
इधर बीजापुर में 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। सर्चिंग के दौरान जवानों को यह कामयाबी मिली। फुल्लोड़ जयगूर के जंगल में यह गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, नक्सली बैनर और पोस्टर भी यहां से बरामद किए गए हैं। सर्चिंग के दौरान 3 नक्सली गिरफ्तार, बैनर पोस्टर बरामद। इधर नारायणपुर पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। आईईडी ब्लास्ट की वारदात का ये वांटेड था। छोटे डोंगर थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई और जवानों ने घेराबंदी कर, इसका नाम है महादेव, नक्सली का नाम है महादेव, घेराबंदी कर जवानों ने महादेव को पकड़ा। इधर बस्तर में सुरक्षा बलों ने अब बड़े कैडर के नक्सलियों को टारगेट करने का एक प्लान, एक योजना तैयार की है। बीते दिनों कांकेर में अबूझमाड़ के इलाके में 29 नक्सलियों को मार गिराने के बाद अब फोर्स ने नक्सलियों के बड़े लीडर्स को खत्म करने की योजना बनाई है। बस्तर आईजी ने कहा कि बस्तर में शांति के साथ विकास पहुंचाना अब बड़ी चुनौती नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि बीते कुछ महीनों में फोर्स का विश्वास बढ़ा है। विगत 4 वर्षों में देखे जाएगा, माओवादी के जो पोलिट ब्यूरो से लेकर सेंट्रल कमेटी तक जो टोटल 20-22 की संख्या में लगभग 50% का उनका कैडर्स का सफाया हो गई। जैसा दीपक तेलतुंबड़े एमएमसी जोन में मुठभेड़ में मारा गए थे, कुप्पू देवराज दक्षिण भारत के इलाका में केकेटी ट्राई जंक्शन इलाके में मुठभेड़ में मारा गया, प्रशांत बोस एम सीला मरांडी झारखंड इलाके में गिरफ्तार हुआ, और दक्षिण बस्तर के बात करेगा 4 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं जैसा रमन्ना रामकृष्ण हरिभूषण एवं कड़कम सुदर्शन, ये चारों को जो मृत्यु हुआ। इस प्रकार माओवादी संगठन का टॉप लीडरशिप में काफ़ी बड़ी झटका ये 4 साल में हुई है, और उसके बाद फिर उनका सेकंड लेवल लीडरशिप इतना मजबूती से आगे नहीं आ रहा। इन सब परिस्थिति के ऊपर हमारा निगरानी है। अगर हम इनकी सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो की बात करें, निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से तेलंगाना की एसआईबी और वहाँ के ग्रेहाउंड्स ने उनके लोगों का सफाया किया है, अभी कुछ लगभग कोविड के दौरान मिलिंद तेलतुंबड़े जैसे उनकी सेंट्रल कमेटी का नेता जो एमएनसी जोन का चीफ हुआ करता था, उसके सहित 26 लोगों को गढ़चिरौली में C60 फोर्स ने मार गिराया। तो ये कहना मुझे लगता है अब बनता भी है और फोर्स का भी दावा हकीकत के नज़दीक जा रहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त राज्य होने का सपना साकार हो सकेगा। इधर कोरबा में तकरीबन 200 मवेशियों का रेस्क्यू किया गया है। आरोपी इन मवेशियों को तस्करी के लिए ले जा रहे थे। 2 लोगों पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। यह आरोपी बिंजपुर के जंगल के रास्ते मवेशियों को लेकर जा रहे थे। कटघोरा पुलिस ने कार्रवाई की है।